हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? दोस्तों आई होप यू आप लोग अपने घर में होंगे। मतलब ये वीडियो अगर मैं अभी बना रहा हूँ और आप 2 महीने के बाद देख रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स आप काम में बिजी होंगे, लेकिन अभी आप रिसेंटली वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप अपने घर में होंगे। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? दोस्तों मैं भी अच्छा हूँ और अपने घर में हूँ और कुछ कुछ टाइम पास करते रह रहा हूँ। या आप देख सकते हैं एक क्यूट सी कैट जो कि मेरे सामने आई है, तो इनको भी रोटी वगैरह देता हूँ। तो मैं अपने घर में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ क्योंकि पढ़ाई वगैरह और वीडियोस ऐसे बनाते बनाते समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। और एक हिसाब से काफ़ी चीज़ें बदली है लॉकडाउन के बाद, जैसे कि हमारे टाउन में बिल्कुल भी पोल्यूशन जो था बिल्कुल से ख़त्म हो चुका है। मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि कोई गाड़ी वगैरह का कोई साउंड वगैरह है, कोई के डस्टबिन में कचरा वगैरह कुछ नहीं है। मतलब सिस्टमेटिकली बहुत कुछ चेंजेस हुआ है ये 21 डेज। तो इसमें कुछ अच्छा भी है तो कुछ बहुत ज़्यादा बुरा है। जैसे कि बहुत जो लोग रेगुलरली कमाते थे और डेली खाते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत हो चुका है क्योंकि उनके पास अभी पैसे नहीं है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, बहुत जगह तक पहुंच रही है, लेकिन अपना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों अभी जैसे कि मेरा जो घर है उसके आसपास में काफ़ी ज़्यादा कोई गरीब व्यक्ति रहता होगा, तो उनके पास कई बार ऐसा होता है कि खाने के पैसे नहीं रहते हैं, उनको दिक्कत होती है, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों अगर आपके घर के आसपास में भी ऐसे लोग रहते हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप कहीं और रहते हैं आपको 10-15 किलोमीटर जाना है, वैसा कुछ नहीं, अगर आपके आसपास में रहते हैं तो आप उनके लिए मदद कर सकते हैं। रिसेंटली कल एक फैमिली से मैं मिल रहा था, मतलब मैं अपने खिड़की से देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि उनसे जाके बातचीत करनी चाहिए। तो मुझे पता चला कि उनके पास मतलब पैसे की थोड़ी बहुत किल्लत हो रही थी, पैसे थोड़े कम पड़ रहे थे, उनको घर का राशन वगैरह देना था। तो मैं उन्हें 200 रुपये के आसपास हेल्प किया और उन्होंने चावल खरीदे। तो उस हिसाब से आप अपने आसपास में रहने वाले व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आप सभी क्या कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आप अपने टाइम कैसे स्पेंड किए हैं ये 21 दिन। कई जन लोगों का श्योर है कि 21 दिन काफ़ी सोए हैं, तो उनका तो बोलना ही नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे थे उन जरूर बताना। तो दोस्तों आज हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे। तो दोस्तों आज मेरा प्लानिंग ये है कि मैं अपने घर के बैक साइड में जो लाव का जो लौकी की बेल थी ना उसे थोड़ी बहुत काटनी है क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होने लगा, क्योंकि वहाँ से वो बेल वगैरह जो थी वो काफ़ी बढ़ गई है और वहाँ में अब सांप वगैरह का जो कहते हैं ना सांप वगैरह बहुत ज़्यादा रहने लग गए, जो कि अब मुझे प्रॉब्लम होने लग रहा है, तो उसे थोड़ी बहुत छोटी कर देनी है। तो अभी चलते हैं वो काम आपको भी दिखाते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों ये जो है इससे हम उसे काटेंगे थोड़ी बहुत, तो चलिए। दोस्तों आप देख सकते हैं गाय वगैरह चर रही है जो कि अपनी है गाय, तो उन्हें हमने छोड़ा है क्योंकि वो लोग भी घास खाएंगे, तो यहाँ में जंगल थोड़ा कम होगा और यहाँ बारिश हो गई थी तो इस वजह से घास भी बहुत जल्दी ग्रो करने लगे हैं, तो गाय को छोड़ दिया हूँ आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये रहा वो बेल, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हो चुकी है दोस्तों, और ये काफ़ी अभी प्रॉब्लम कर रही है क्योंकि इसके नीचे में जो है वो हम लोग जा नहीं सकते हैं और काफ़ी बड़ी बेल हो जाने के वजह से तो इसके अंदर जाना मुश्किल है, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसके जो आगे के जो पार्ट्स होते हैं ना ये दिख रहे होंगे आपको, ये जो पार्ट्स है इनकी भी सब्जी बनती है, मतलब आलू में मिलाकर इसका बहुत ही अच्छा जो है सब्जी बनता है। तो ये मैं काट के गिफ्ट कर दूंगा एक जन को जो कि बहुत दिनों से मांग रहे थे, और मेरा भी एक जंगल थोड़ा बहुत कम होगा। तो चलिए दोस्तों अभी शुरू करते हैं इसको काटना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हमें काटना होगा, तो ऐसे बहुत जगह में काटना होगा हमें इस तरह से। तो ये जो भी है इसकी मतलब सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है क्योंकि हमने भी खाई है, और इसे बनाने में आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं इसकी कैसे बनाई जाती है तो आपको पता चलेगा। तो चलिए ये सारे हम बहुत सारे काट लेंगे और गिफ्ट करेंगे, तो चलो। तो दोस्तों हम लोगों ने इतने सारे काटे
और ये क्या होगा कि ज़्यादा ग्रो नहीं होगा। और ये सारे अभी हम गिफ्ट करेंगे, ये देख सकते हैं आप, इसकी अब अच्छे से सब्जी एक बन जाएगी। तो चलिए हम लोग इसे दे देते हैं, बहुत सारी हो गई है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा हमने आज क्या किया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।